बजाज का ईएमआई कार्ड का तो नाम आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन एक नया ईएमआई कार्ड आ गया मार्केट में, होम क्रेडिट उज्जवल ईएमआई कार्ड। ये कार्ड किस काम के लिए उपयोग में हो सकता है, किस प्रकार आपको उपयोग में लेना है और आपको अधिकतम कितनी लिमिट मिल सकती है, कंप्लीट डिटेल के साथ इस ईएमआई कार्ड के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया में अभी 53,000 ऐसे स्टोर है जिन पे जाके इस ईएमआई कार्ड के द्वारा आप ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग कर सकते हो। और वहीं बात करें ऑनलाइन की, तो आप लीडिंग प्लेटफॉर्म है जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन वेबसाइट से ऑनलाइन आप शॉपिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इस कार्ड को कौन कौन व्यक्ति ले सकता है। तो देखिए, इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको ऑफलाइन मार्केट में जाना होगा, क्योंकि फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब ऑनलाइन इस कार्ड को बनवाने की कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आपको मार्केट में जाना होगा, वहीं से आप इस कार्ड को बना सकते हो। और इस कार्ड को बनाने के लिए आपको कम से कम 18 साल की एज होनी चाहिए और अधिकतम 60 साल की। आपके पास एक वैलिड KYC डॉक्यूमेंट होने चाहिए और एक्टिव एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें नेट बैंकिंग मैंडेटरी है, यानी ई मैंडेट के लिए वो आपके पास या तो डेबिट कार्ड हो तो भी चलेगा, इंटरनेट बैंकिंग हो तो भी चलेगी। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अब बात करते हैं कि इस कार्ड में आपको कितनी लिमिट मिल जाएगी। तो इस कार्ड में अधिकतम आपको 75,000 रुपये की लिमिट मिल जाएगी और टर्नओवर की बात करें तो अधिकतम आप 13 महीने की किस्त बना सकते हो। अब बात करते हैं इस कार्ड की प्रोसेसिंग फीस के बारे में। तो देखिए, इस कार्ड पे जो वेबसाइट पे डाटा लिखा हुआ आ रहा है वो आ रहा है कि यदि आप कोई भी प्रोडक्ट ऑफलाइन मार्केट में जाके फाइनेंस कराओगे तो आपको अधिकतम 799 रुपये प्रोसेसिंग फीस के रूप में लिए जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये थोड़े से ज़्यादा है। जैसे वही बात करें इसका कंपटीशन, मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट बजाज के साथ किया है, लेकिन बजाज वाले कई बार प्रोसेसिंग फीस माफ़ भी कर देते हैं और अधिकतम उनकी प्रोसेसिंग फीस रहती है 399 रुपये से, थोड़ी सी ज़्यादा लगी मेरे को प्रोसेसिंग फ़ीस। और वहीं बात करें कि इन पे आपको एनुअल ब्याज कितना देना होगा, तो वेबसाइट पे साफ साफ लिखा हुआ रहा है कि आपको कोई प्रोडक्ट 0% फाइनेंस भी मिल जाएगा, यानी कोई भी ब्याज देने की ज़रूरत नहीं है, और अधिकतम 48% का ब्याज भी आपको देना पड़ सकता है। तो कोई भी प्रोडक्ट होम क्रेडिट फाइनेंस से करवाने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए। और बात करते हैं डाउन पेमेंट की, तो बिल्कुल डाउन पेमेंट आएगा 0 से 30% MRP पे। वो आपका प्रोडक्ट देखा जाएगा कि इसकी MRP कितनी है, तो कितना प्रतिशत का डाउन पेमेंट आएगा। और बात करें आपका सिबिल स्कोर भी देखा जाएगा, ताकि आपको कोई प्रोडक्ट फाइनेंस होगा या नहीं होगा उसके बिहाफ पे ही सारी जानकारी अपडेट होगी होम क्रेडिट का EMI कार्ड के पास। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगे गए हैं। ये डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप आसानी के द्वारा ये कार्ड बनवा सकते हो। तो इस कार्ड के बारे में आपको कुछ और डिटेल चाहिए या हम खुद मार्केट में जाके ये EMI कार्ड बनवाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम मार्केट में जाके ये कार्ड बनवा के भी आपको बता देंगे कि क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।